हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्विंस प्रेगनेंसी में आप ये बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी में प्लासेंटा और थैली एक है या फिर दो है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, ट्विंस प्रेगनेंसी में मोस्टली दो वर्ड्स का यूज होता है। एक होता है डाइकोरियोनिक एंड एक होता है मोनोकोरियोनिक, और इन वर्ड्स का यूज आपके ट्विंस की पहचान करने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकोरियोनिक शब्द के बारे में। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक लिखा है, डाई का मतलब होता है दो चीजों का होना, तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो थैली है वो भी डबल है, यानी कि दोनों बच्चों की अलग अलग है, एंड जो आपके प्लासेंटा है वो भी अलग अलग है। इस प्रकार के ट्विंस दो अलग अलग अंडों से अलग अलग फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसलिए ये ट्विंस बिल्कुल भी दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं और इनको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं मोनोकोरियोनिक शब्द के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोनोकोरियोनिक ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, इसमें जो आपका प्लासेंटा होता है वो एक ही रहता है, ठीक है, और डाइकोरियोनिक में प्लासेंटा हमेशा दो रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डाई का मतलब होता है दो चीजों का होना, तो अगर आपकी अल्ट्रासाउंड में लिखा है मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, तो इसका मतलब होता है कि आपके बच्चों की जो थैली है वो अलग अलग है, और इस प्रकार की मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी काफी ज्यादा सेफ होती है, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि प्लासेंटा एक होने की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बच्चे की अपेक्षा दूसरे बच्चे को ज्यादा ब्लड पहुंचता है एंड एक बच्चा कम ग्रो करता है और दूसरा बच्चा ज्यादा ग्रो करता है। इसलिए इस प्रकार की अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार की ट्विंस प्रेगनेंसी को शुरुआत के 6 महीने बहुत ही अच्छे से मॉनिटर किया जाता है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो डॉक्टर को टाइम से पहले ही पता चल जाए और उसका सलूशन निकाला जा सके। और अगर आपके अल्ट्रासाउंड में मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी बच्चों की थैली है वो एक ही है, और इस प्रकार की ट्विंस प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है क्योंकि इसमें बच्चों के कोई ना कोई अंग जुड़ने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, जिसको कंजॉइंट ट्विंस भी बोला जाता है। इस प्रकार के ट्विंस होने पर डॉक्टर आपको ना रखने की भी राय दे सकते हैं। और मोनोकोरियोनिक जो ट्विंस होते हैं वो एक ही अंडे से फर्टिलाइजेशन हो करके दो अंडों में विभाजित हो जाते हैं, जिस वजह से ये दिखने में एक जैसे ही होते हैं और इनके जेंडर भी सेम हो सकते हैं, इसलिए इनको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।